स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बकेरे सारजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एक भाई ने यार कमेंट किया कि भाई फिनांस नहीं होता है, फाइनांस होता है। हाँ भाई, फाइनेंस होता है मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है भाई, क्योंकि हम लोग मतलब गाँव से बिलोंग करते हैं और अभी शहर विज़िट किए हैं, शहर में रहते हैं, लेकिन भाई थोड़ा सा गाँव वाली मतलब ज़बान आ जाती है। ये जगह ऐसे ही दोस्तों, हम मतलब गए थे मेहमानी में, ठीक है, अपने फूफी के यहाँ। तो मेहमानी में खाना पीना खा के शाम के टाइम बैठते हैं, गांव मोहल्ले के लड़का बैठते हैं, शहर के हो या फिर गांव के हो, वो खाना पीना खा के रात में ऐसे मोबाइल वगैरह चलाते हैं। तो हम वहां पर बैठे थे, तो हमने कह दिया कि भाई कोई अच्छा सा म्यूजिक बजाओ, तो सब हंसने लगे। उसके बाद कुछ देर बाद मुझे बोला शहर का ही एक लड़का कि भाई म्यूजिक नहीं होता है, म्यूज़िक होता है। तो मेरे भाई थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो भाई फिनांस नहीं होगा, फाइनेंस होगा ना, फाइनेंस, ठीक है। चलिए भाई, एक भाई ने मुझे कमेंट किया और इससे पहले भी कमेंट्स आया था कि भाई फिनांस नहीं होता है, तो उस पर हमने गौर किया था, लेकिन उतना गौर नहीं किया था। लेकिन एक भाई ने इतना ज़बरदस्त तरीका से कमेंट किया कि भाई बार बार आप फिनांस बोलते हो, फाइनेंस बोलो, ठीक है। तो लो जी भाई, फाइनेंस। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग फाइनेंस डिटेल्स समझने वाले हैं यामाहा FZS के बारे में। जी हाँ दोस्तों, FZS के बारे में एक साल से लेकर चार साल तक का किस्त पूरा मैंने समझाने की कोशिश की है, यानी डाउन पेमेंट से लेकर डॉक्यूमेंट से लेकर, यानी एक साल में यदि आप एक साल का फाइनेंस करवाते हैं तो यहाँ पे आपको कितना पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, दो साल का आप फाइनेंस करवाते हैं तो यहाँ पर आपको कितना पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, तीन साल का आप करवाते हैं या फिर चार साल का करवाते हैं तो कितना एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, और महीने की जो EMI है वो आपको कितना लगेगा। और इस वीडियो में दोस्तों बिल्कुल अलग और बिल्कुल हट के फाइनेंस डिटेल्स होगा। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंस डिटेल्स बिल्कुल अलग हटके होगा, यानी एक साल का भी हम बताएंगे और डेढ़ साल का भी बताएंगे और दो साल का भी हम बताएंगे और ढाई साल का भी हम बताएंगे और तीन साल का, साढ़े तीन साल का, चार साल का। हमने पिछली वीडियो में एक साल का, दो साल का, तीन साल का, चार साल का सीधा सीधा बताया था, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में थोड़ा सा यानी टेढ़ा टेढ़ा हम बताएंगे, यानी डेढ़ साल का भी बताएंगे और ढाई साल का भी बताएंगे और साढ़े तीन साल का भी हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, आप लोगों के प्यार और आप लोगों की मोहब्बत बहुत जल्दी आ रही है और बहुत तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। जल्दी से भाई 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। जी हाँ दोस्तों, छः महीने का टारगेट है, छः महीने तक क्या 50K सब्सक्राइबर आप लोग कम्प्लीट करवा देंगे। मुझे उम्मीद है कि भाई सब्सक्राइबर जिस तरह से मतलब जिस तेज़ी के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जो लोग नए हैं मेरे भाई आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जल्दी से 50K सब्सक्राइबर कम्प्लीट करना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बाइक का प्राइस बता दूं। बाइक का प्राइस है दोस्तों यामाहा FZS का ऑन रोड शोरूम प्राइस है हमारे यहाँ शाह मोटर्स पीरपैंती रोड गोड्डा झारखंड में। इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है दोस्तों 1.5 लाख के आसपास में। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस मतलब कितना है, 1,50,000 के आसपास में इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है, ठीक है। और आपको फाइनेंस में लेना है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है कि भाई 35,000 जमा करो और एक साल से लेकर चार साल तक का किस्त, तो भाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 35,000 डाउन पेमेंट करना है। और समझिए एक साल का, डेढ़ साल का, दो साल का, ढाई साल का और साढ़े तीन साल का, तीन साल का, चार साल का किस्त आप समझिए, ठीक है। तो भाई फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे आपको आधार कार्ड लगेगा, सेकंड में दोस्तों यहाँ पे आपको पैन कार्ड लगेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो वोटर आई डी कार्ड लगेगा दोस्तों, उससे आपका फाइनेंस हो जाएगा। दो डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे नीड पड़ती है। 6 मंथ की यहाँ पे आपको बैंक पासबुक का जरूरत पड़ता है, ठीक है। और अभी फिलहाल दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो 10% इंटरेस्ट चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 10% इंटरेस्ट अभी फिलहाल चल रहा है हर शोरूम में, क्योंकि जब भी मैं फाइनेंस डिटेल्स करता हूँ, देखिए फिर मतलब आ गया भाई फाइनेंस डिटेल्स जब भी मैं करता हूँ मेरे भाई, तो मैक्सिमम मतलब वीडियोस हमारा रहता है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, क्योंकि उसमें जो है ना समझाने में भी हमको आसान मतलब पड़ता है और आपको समझने में भी आसान होगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों 10% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है हमारे यहाँ। तो भाई जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1.5 लाख, ठीक है, सबसे पहले आप लोग एक साल का समझिए, और आपने जमा किया 35,000 रुपया, ठीक है। तो भाई 1.5 लाख में माइनस करेंगे हम 35,000, तो बच जाएगा दोस्तों 1,15,000, ठीक है। अब 1,15,000 का फाइनेंस होगा। डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोग समझ गए, ठीक है, बैंक पासबुक लाना है, खाता अगर आपका खुला हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका खाता खुला हुआ नहीं है तो शोरूम वाले यहाँ पे आपको खाता खोल के भी दे देंगे, ठीक है। जिस भी कंपनी से फाइनेंस होगा, जिस भी बैंक से आपका फाइनेंस होगा, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, आपको यहाँ पर खाता खुलवा देंगे, उसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 35,000 आपने जमा किया तो बच जाएगा, बचा हुआ अमाउंट कितना रह जाएगा दोस्तों 1,15,000, ठीक है। 1,15,000 का फाइनेंस होगा। 1,15,000 में दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है। देखिए कोई भी कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो हमसे लेती है प्रोसेसिंग चार्ज। जी हाँ दोस्तों, अब प्रोसेसिंग चार्ज ये क्या होता है, प्रोसेसिंग चार्ज एक तरह से आप लोग समझ लीजिए कि चाय पान का खर्चा, ठीक है।
जो आपको फाइनेंस करके देगी, यानी जो भी स्टाफ वगैरह होगा तो वो मतलब प्रोसेसिंग चार्ज वो लेते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे दोस्तों आपको 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। जी हाँ दोस्तों, 1,00,000 के फाइनेंस में तो 5,000 रुपया लेता है, लेकिन यहाँ 1,15,000 का आपका फाइनेंस होगा तो 5,000 रुपया दोस्तों यहाँ पे कंपनी प्रोसेसिंग चार्ज लेगी, ठीक है। तो अब इधर 1,15,000 और प्रोसेसिंग चार्ज उसमें 5,000, दोनों को आप प्लस कर देंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 1,20,000। जी हाँ दोस्तों, 1,20,000 यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा। अब दोस्तों 1,20,000 का हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 10% इंटरेस्ट में, तो यहाँ पे 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा दोस्तों 12,000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, कितना निकल के आएगा, 12,000 रुपया। अब दोस्तों 12,000 को हम लोग प्लस कर देंगे 1,20,000 से, तो टोटल पैसा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1,32,000। जी हाँ दोस्तों, 1,32,000 यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा, 1,32,000 रुपया यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा। अब दोस्तों 1,32,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 1 साल से, क्योंकि हम लोग 1 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं, तो भाई 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो चलिए हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं 1,32,000 को, तो पर मंथ के यहाँ पे आपको EMI निकल के आएगा 11,000 रुपये यहाँ पे दोस्तों पर मंथ की EMI निकल के आएगा। 1 साल वाला था जिसलिए मतलब जिसके कारण थोड़ा सा हार्ड EMI है, 1 साल वाला फाइनेंस वही लोग करवा सकते हैं मेरे भाई, जिसका इनकम ठीक ठाक है, मतलब कम से कम 20-25,000 रुपये महीना वो अगर इनकम करते हैं, मतलब महीना कमा लेते हैं, तो उसके लिए 1 साल वाला फाइनेंस मतलब बिल्कुल आसान होगा, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो 10-15,000 रुपये महीना मतलब कमाते हैं, वो 1 साल का फाइनेंस नहीं करवा सकते इस तरह की स्पोर्ट बाइक को, ठीक है। क्योंकि भाई यामाहा की बाइक है तो थोड़ी महंगी भी आती है, तो भाई हमारे यहाँ फिलहाल प्राइस कम है, और आप अलग जगह पर प्राइस पता करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अप्रोक्स इसका प्राइस 1.5 लाख के ही आसपास में है, ठीक है। यामाहा की सस्ती बाइक में से ये FZS एक मतलब ऐसी बाइक है जो कि सस्ती है, हालांकि 155 सीसी की MT-15 भी है, R15 भी 155 सीसी की है, जिसका प्राइस दोस्तों 2 लाख प्लस आपको देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में तो भाई R15 का तो प्राइस आसमान छू गया है, 2,27,000 ऑन रोड शोरूम प्राइस है भाई R15 V4 का, और 2,35,000 ऑन रोड शोरूम प्राइस है R15 M मॉडल का, ठीक है, टॉप मॉडल का। तो भाई 1 साल में यहाँ पे आपको EMI कितना भरना पड़ेगा, 11,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 11,000 पर मंथ आपको भरना पड़ेगा 1 साल तक, ठीक है। जिसमें कि दोस्तों एक्स्ट्रा पैसा की अगर बात की जाए तो एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ पे 12,000 रुपये आप निकाल लीजिए जो कि आपको लगा 1 साल में, और 5,000 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 12,000 और 5,000 को मतलब हम लोग प्लस कर देंगे तो टोटल पैसा हो जाएगा भाई 17,000। तो भाई 1 साल में यहाँ पे आपको 17,000 एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, कितना लग रहा है, 17,000 रुपये यहाँ पे आपको 1 साल में एक्स्ट्रा लग रहा है FZS फाइनेंस आप करवाते हैं तो, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब 1.5 साल का समझते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम 2 साल का समझाते थे और 3 साल का समझाते थे, लेकिन दोस्तों मैंने कहा ना कि इस बार कि भाई 1.5 साल को भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1.5 साल का करवाते हैं, 2.5 साल का करवाते हैं, तो मतलब 1.5 साल का भी आप लोग समझ लीजिए, और 2.5 साल का भी आप लोग समझेंगे, 2 साल का भी समझेंगे, 3 साल का, 3.5 साल का और 4 साल का, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग 1 साल वाला फाइनेंस डिटेल समझ गए हैं। चलिए दोस्तों, अब 1.5 साल का समझते हैं, ठीक है। तो भाई 1.5 साल में यहाँ पे कितना महीने होते हैं, 18 महीने होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,50,000 रुपया, आपने जमा किया 35,000 रुपया, बचा हुआ अमाउंट आ गया दोस्तों यहाँ पे कितना, 1,15,000। अब 1,15,000 में आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000 रुपया, तो टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 1,20,000 रुपया। अब 1,20,000 का हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 1.5 साल का, भाई 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले थे तो कितना था, 12,000 रुपये, यहाँ पे दोस्तों 1.5 साल का निकालेंगे तो 18,000 रुपये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों, 1.5 साल में 18,000 रुपये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब दोस्तों 18,000 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 1,20,000 से, तो टोटल पैसा हो जाएगा दोस्तों 1,38,000। जी हाँ दोस्तों, 1,38,000 टोटल पैसा हो जाएगा, 1,38,000। अब दोस्तों 1,38,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, यानी 1,38,000 को हम लोग भागा दे देंगे 1.5 साल से, और 1.5 साल में भाई 18 मंथ होते हैं, ठीक है। तो चलिए 18 से हम लोग डिवाइड करते हैं 1,38,000 को, कितना यहाँ पे EMI निकल के आता है चलिए देखते हैं, 7,666 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आया, कितना निकल के आया मेरे भाई, 7,666 रुपये, यानी हर महीना आपको कितना पे करना पड़ेगा, 1.5 साल का आप फाइनेंस करवाएंगे तो 7,666 रुपया, 35,000 जमा करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहेगा, तो कितना यहाँ पे आपको EMI भरना पड़ेगा 1.5 साल में, 7,666 रुपया। जी हाँ दोस्तों, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल बारीकी से समझ जाएँ मेरे भाई, क्योंकि फाइनेंस डिटेल्स मतलब समझाने का मकसद ये है कि आप कहीं भी फाइनेंस करवाएंगे तो आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि भाई कितना हमको यहाँ पे EMI लगेगा, अप्रोक्स आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा पाएंगे, क्योंकि भाई हर जगह का प्राइस ऑन रोड शोरूम प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो जो मतलब EMI निकल के आया मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। तो भाई 1.5 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, इधर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया दोस्तों कितना, 18,000 रुपया और 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 18,000 और प्लस 5,000,
तो टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे कितना 23,000। 23,000 रुपया दोस्तों यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लग रहा है। कितना मतलब डेढ़ साल में यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है? 23,000 रुपया यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब दो साल का समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1.5 लाख, आपने जमा किया यहाँ पे कितना 35,000 रुपया, जी हाँ दोस्तों। और बचा हुआ अमाउंट रह गया कितना, यानी 1.5 लाख में माइनस करेंगे 35,000 को तो बच जाएगा भाई 1,15,000। अब 1,15,000 में हमें प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000 रुपया, तो टोटल पैसा हो जाता है यहाँ पे कितना 1,20,000। अब दोस्तों 1,20,000 का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है दो साल का, जी हाँ दोस्तों दो साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे भाई एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 12,000 रुपया, और डेढ़ साल का कितना था भाई 18,000, और भाई यहाँ पे दो साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा कितना 24,000 रुपया, जी हाँ दोस्तों दो साल का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा कितना 24,000 रुपया, ठीक है। तो भाई 24,000 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से 1,20,000 से, तो टोटल पैसा हो जाएगा भाई 1,44,000, जी हाँ दोस्तों टोटल पैसा कितना हो जाएगा 1,44,000 टोटल पैसा हो जाएगा। अब दोस्तों 1,44,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से दो साल से, और दो साल में भाई 24 महीने होते हैं तो हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे, यानी 1,44,000 को हम लोग भागा दे देंगे कितना से 24 से। तो यहाँ पर दोस्तों पर मंथ की EMI निकल के आएगा 6,000 रुपया, यहाँ पे दोस्तों पर मंथ की EMI निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा मेरे भाई 6,000 रुपया, जी हाँ दोस्तों 6,000 यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा, यानी 6,000 रुपया यहाँ पे आपको हर महीना भरना पड़ेगा दो साल तक, ठीक है। और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा भाई 24,000 रुपया, तो यहाँ पे आपको दो साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है और 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 24 और 5 हो गया भाई 29, यानी 29,000 रुपया यहाँ पे आपको दो साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है 29,000 रुपये यहाँ पे आपको दो साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। तो भाई एक साल वाला में आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा था 17,000 रुपया, याद रखिए। दो साल वाला में आपको कितना लग रहा था भाई 23,000 रुपया, और डेढ़ साल वाला में कितना लग रहा था आपको एक्स्ट्रा 23,000 रुपया, और दो साल में आपको भाई लग रहा है 29,000 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, ठीक है, समझिए मेरे भाई। और EMI यहाँ पे दो साल में कितना भरना पड़ेगा 6,000 रुपया, ठीक है। तो आई होप कि मेरे भाई एक साल वाला, डेढ़ साल वाला और दो साल वाला आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं, ठीक है। चलिए अब 2.5 साल का समझते हैं कि 2.5 साल में कितना EMI निकल के आएगा, और फिर 3 साल का समझेंगे, फिर 3.5 साल का, फिर 4 साल का समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि बाइक का प्राइस है कितना, 1,50,000 आपने जमा किया कि यहाँ पे 35,000 रुपया, तो बचा हुआ अमाउंट आ गया दोस्तों 1,15,000। अब 1,15,000 में हमें प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000 रुपया, तो टोटल पैसा हो जाएगा 1,20,000 रुपया। अब दोस्तों 1,20,000 का हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे डायरेक्ट 2.5 साल का, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 2.5 साल का डायरेक्ट निकालेंगे 10% में, तो भाई एक साल का था 12,000, दो साल का था भाई 24,000, और 2.5 साल का हो जाएगा भाई यहाँ पे 30,000 रुपया, जी हाँ दोस्तों कितना निकल के आएगा 2.5 साल में 30,000 रुपया। तो भाई आप 30,000 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से 1,20,000 से, उधर 1,20,000 रुपया था उसी में हम लोग को प्लस करना है, ठीक है। और उसी में हम लोग प्लस करते हुए आ रहे हैं एक साल वाला में, डेढ़ साल वाला में, दो साल वाला में, तो हम लोग 2.5 साल वाला में भी उसी में प्लस करेंगे। तो भाई 1,20,000 प्लस 30,000, तो टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 1.5 लाख, ठीक है। टोटल पैसा कितना हो जाता है मेरे भाई 1.5 लाख रुपये यहाँ पे टोटल पैसा हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों 1.5 लाख को हम लोग भागा दे देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे कितना से 30 महीने से, जी हाँ दोस्तों 2.5 साल में 30 मंथ होते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है और मुझे भी अच्छी तरह पता है कि भाई 2.5 साल में 30 मंथ होते हैं, ठीक है। दो साल में 24 और 2.5 साल में 30 मंथ होते हैं। तो चलिए डिवाइड करते हैं 1.5 लाख को, यानी 1,50,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 30 से, तो पर मंथ की यहाँ पे आपको EMI निकल के आएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमारे भाषा में दोस्तों डिवाइड को भागा बोलते हैं, ठीक है। आपके भाषा में क्या बोलते हैं, क्योंकि अदर स्टेट से आप लोग देख रहे हैं, कोई गुजरात से देख रहा है, कोई मुंबई से देख रहा है, कोई लुधियाना से देख रहा है, तो कोई कहाँ कहाँ से नहीं देख रहा है, कोई उड़ीसा से देख रहा है, तो कोई पंजाब से देख रहा है, कोई सऊदी अरब से भाई देख रहा है। तो भाई सबके लिए मतलब सबका भाषा मतलब कवर करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि डिवाइड बोल दूंगा तो आप लोग समझ ही मतलब गए होंगे, और काफ़ी समझदार है मेरी ऑडियंस, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करते हैं 1.5 लाख को 30 से, तो पर मंथ की यहाँ पे EMI निकल के आएगा मेरे भाई 5,000 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा, जी हाँ दोस्तों कितना निकल के आएगा 5,000 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। कितना दिन तक, यानी 30 महीने तक, 2.5 साल तक, जी हाँ दोस्तों 5,000 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना भरना पड़ेगा FZS। 35,000 जमा करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहेगा, तो आपको यहाँ पे EMI कितना भरना पड़ेगा 5,000 रुपया। और 2.5 साल में दोस्तों यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको 35,000 रुपया लग गया और 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 35,000 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, जी हाँ दोस्तों 2.5 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है 35,000 रुपये यहाँ पे, जी हाँ दोस्तों 35,000 यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा मतलब देना पड़ रहा है कंपनी को। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी कंपनी हमको पैसा उधार में दे, ठीक है, शोरूम वाले आपको उधार में नहीं देते हैं बाइक, ठीक है, शोरूम वाले को तो भाई पैसा मिल जाता है, लेकिन कंपनी वाले, जैसा कि बाइक का प्राइस है 1.5 लाख, आपने 35,000 जमा किया, तो जो 1,15,000 जो पैसा बचता है
वो जिस कंपनी से आप फाइनेंस करवाते हैं वो कंपनी शोरूम वाले को पे कर देते हैं, ठीक है, आप समझिए, ठीक है, वो कंपनी बाकी पैसा पे कर देते हैं और वो कंपनी मतलब अपने रिस्क पर फाइनेंस आपको ये फाइनेंस करके देती है, ठीक है, बार बार फाइनेंस आ रहा है, फाइनेंस करके देती है, ठीक है। तो 2.5 साल का भी मेरे भाई आप लोग समझ गए, चलिए 3 साल का समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,50,000, आपने जमा किया 35,000, बचा हुआ अमाउंट आ गया दोस्तों 1,15,000, 1,15,000 में आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000 रुपया, टोटल पैसा हो जाता है मेरे भाई कितना, 1,20,000। अब 1,20,000 का यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है डायरेक्ट 3 साल का, भाई 1 साल का था कितना 12,000, 2 साल का भाई कितना निकलेगा 24,000, और 2.5 साल का भाई 30,000, और 3 साल का मेरे भाई कितना यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 36,000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 36,000 यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल का निकल के आएगा 1,20,000 में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो, ठीक है। तो भाई टोटल पैसा कितना यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया 36,000। अब हम लोग दोस्तों 36,000 को हम लोग प्लस कर देंगे 1,20,000 से, तो टोटल पैसा हो जाएगा 1,56,000। जी हाँ दोस्तों, 1,56,000 टोटल पैसा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब 1,56,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 3 साल से, और 3 साल में भाई 36 महीने होते हैं, तो चलिए डिवाइड करते हैं 1,56,000 को 36 महीने से, तो पर मंथ की यहाँ पे दोस्तों ईएमआई निकल के आएगा 4,333 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की ईएमआई निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों, 1,56,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 36 से, तो 4,333 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की ईएमआई निकल के आएगा, कितना दिन तक, यानी दोस्तों कितना दिन तक, यहाँ पे 3 साल तक, और यानी 36 महीने तक, भाई 3 साल में 36 महीने होते हैं, तो 4,333 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की ईएमआई भरना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा की अगर बात की जाए तो भाई 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा आपको कितना लग रहा है, इधर 36,000 रुपये यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, भारतीय 36,000 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, और प्रोसेसिंग चार्ज आप उसमें ऐड कर दीजिए 5,000, तो भाई 36 और हो गया भाई 5, तो भाई टोटल पैसा हो जाता है 41,000। जी हाँ दोस्तों, 41,000 यानी 41,000, 36 और 5 41 होगा ना, हाँ 41,000 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है से 3 साल वाला में, ठीक है, 3 साल वाला में 41,000 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। चलिए दोस्तों, अब 3.5 साल का समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,50,000, आपने जमा किया 35,000, बचा हुआ अमाउंट आ गया दोस्तों 1,15,000, 1,15,000 में आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000, टोटल पैसा जाता है 1,20,000। अब 1,20,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है मेरे भाई 3.5 साल का। जी हाँ दोस्तों, 3.5 साल का हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, तो भाई 3 साल का भाई था 36,000, और 3.5 साल का यहाँ पे दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 42,000 रुपये यहाँ पे, 42,000 रुपये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 3.5 साल का, ठीक है। तो अब दोस्तों 42,000 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 1,20,000 से, तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा 1,62,000। अब दोस्तों 1,62,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे ये 3.5 साल से, और 3.5 साल में मेरे भाई 42 मंथ होते हैं, ठीक है, 3.5 साल में 42 मंथ होते हैं, तो पर मंथ की ईएमआई यहाँ पे निकल के आएगा 3,857 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की ईएमआई निकल के आएगा, 3,857 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की ईएमआई निकल के आएगा, कितना 3.5 साल तक, यानी 42 महीने तक। चलिए दोस्तों, अब 4 साल का समझते हैं, 4 साल समझने का टाइम आ गया। जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है कितना, यानी 1,50,000 रुपया, ठीक है, आपने जमा किया मेरे भाई कितना 35,000, बचा हुआ अमाउंट आ गया 1,15,000, 1,15,000 में आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है मेरे भाई 5,000 रुपया, बचा हुआ अमाउंट टोटल पैसा हो जाता है भाई 1,20,000। अब 1,20,000 का यहाँ पे दोस्तों 4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, तो भाई यहाँ पे डायरेक्ट 4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 1 साल का था भाई 12,000, 2 साल का भाई 24,000, और 3 साल का मेरे भाई कितना था 36,000, और 4 साल का भाई 48,000। जी हाँ दोस्तों, 4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा कितना 48,000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, अब 48,000 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से दोस्तों, 1,20,000 से, तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा कितना 1,68,000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा 1,68,000 रुपये यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब 1,68,000 को हम लोग डिवाइड करते हैं 48 से, क्योंकि भाई 4 साल में 48 मंथ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 साल में यहाँ पे 48 मंथ होते हैं, तो चलिए डिवाइड करते हैं 1,68,000 को 48 से, तो पर मंथ की यहाँ पे आपको ईएमआई निकल के आएगा 3,500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 3,500 रुपये यहाँ पे आपको 3,500 पर मंथ की ईएमआई भरना पड़ेगा 4 साल तक। तो भाई 4 साल में यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा की अगर बात की जाए तो 48,000 रुपये यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, और प्रोसेसिंग चार्ज आप उसमें जोड़ लीजिए 5,000, तो भाई 48 और 5 हो जाता है 53, तो भाई 53,000 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लग रहा है 4 साल में। तो भाई आई होप कि मेरे भाई 1 साल वाला, 2 साल वाला, 1.5 साल वाला, 2.5 साल वाला, 3 साल वाला, 3.5 साल वाला, 4 साल वाला, आप लोग फाइनेंस डिटेल्स समझ गए हैं मेरे भाई।
तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, वीडियो को लाइक करना, और अगली वीडियो किस बाइक पर होगा, किस बाइक पर मैं फाइनेंस डिटेल्स करूं, प्लीज़ यार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप लोग अपना फरमाइश नहीं करते हैं किस बाइक पर आप लोग, मतलब किस बाइक का रिव्यू देखना है, किस बाइक का राइड रिव्यू देखना है, प्लीज़ यार कमेंट कीजिए। ठीक है, आपकी जो भी कमेंट्स होगा मैं सर आंखों पर रखूँगा और वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।